हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी क्लास 5th की इंग्लिश की वर्कशीट 83 पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। बच्चों, इससे पहले हमने आपकी 82 वर्कशीट्स तक वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखा है, आपका कोई वीडियो मिस हो गया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको वो डेट लिखनी है जिस डेट को आप इस वर्कशीट को सॉल्व कर रहे हैं। हमारा लर्निंग एरिया है रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आज हम लिख, पढ़, बोल, सुन सब कुछ करेंगे। तो ठीक है ना बच्चों, हमारा लर्निंग पॉइंट है द लर्नर शेयर इंग्लिश रिडल्स, टंग ट्विस्टर, एटेक्स्ट्रा विद पियर्स एंड फैमिली मेंबर्स। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ अंग्रेजी की पहेलियां बताऊंगा और कुछ टंग ट्विस्टर बताऊंगा। अब टंग ट्विस्टर क्या होते हैं, पहले हम करते हैं पहेलियां, फिर मैं आपको बताऊंगा टंग ट्विस्टर क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर नीचे कुछ पहेलियां दी गई हैं, रिडल्स कुछ पहेलियां दी गई हैं, और आपको उनका मीनिंग लिखना है, यानी कि आपको पहेली को सोल्व करना है। तो पहली पहेली है, व्हाट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड वाइल स्टेइंग इन अ कोलम। वो क्या चीज है जो कोने में रहकर पूरी दुनिया घूम सकती है? तो बच्चों, आपने जो मम्मी पापा चिट्ठी लिखते हैं या आपके घर में कोई चिट्ठी आई हो, उस चिट्ठी के ऊपर एक टिकट लगी होती है कोने में। तो वो टिकट वो चीज है जो सारी दुनिया घूम सकती है, एक कोने में लगे हुए, उसे हम कहते हैं स्टैम्प, STAMP, स्टैम्प। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच मंथ डू पीपल स्लीप द लीस्ट, किस महीने में लोग सबसे कम सोते हैं? तो देखो बच्चों, अब आपका कहा भी, हम तो हर रोज सोते हैं, तो ऐसा कौन सा महीना है? तो जो बच्चों फरवरी का महीना होता है ना, उस महीने में 28 दिन 29 दिन होते हैं, तो उस महीने में लोग कम सोते हैं। अब नेक्स्ट है, व्हाट हैज हैंड्स बट कैन नॉट क्लैप। वो क्या है जिसके हाथ तो हैं पर वो ताड़ी नहीं बजा सकता? तो आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी के जो दो कांटे होते हैं ना, उनको इंग्लिश में हैंड कहते हैं। तो घड़ी के हाथ तो होते हैं पर घड़ी कभी ताड़ी नहीं बजा सकती है। इस बात पे आप बजाओ ताड़ी, क्योंकि आप तो ताड़ी बजा सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट हैज अ हेड एंड अ टेल बट नो बॉडी। वो क्या है जिसका हेड भी है और टेल भी है? तो जब आप बच्चों क्रिकेट खेलते हो, तो आप टॉस करते हो ना, हेड या टेल करते हो ना, किससे टॉस करते हो बच्चों? हाँ, कॉइन से, सिक्के से। तो हेड और टेल होते हैं कॉइन के, पर उसकी कोई बॉडी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिडल है, विच वर्ड इन द डिक्शनरी इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। डिक्शनरी शब्दकोश, हमने पिछले वाली वर्कशीटों में शब्दकोश किया था ना, तो शब्दकोश में ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है? तो बच्चों वो शब्द है इनकरेक्ट। हाँ, इनकरेक्ट की स्पेलिंग तो इनकरेक्ट ही होगी ना। अब इसके बाद में बच्चों हमें कुछ टंग ट्विस्टर्स बोलने हैं। अब टंग ट्विस्टर मैंने बताया ना क्या होते हैं, जैसे आप बोलते हो ना कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तो अगर हम बार बार इसे बोलते हैं, इसे हम कहते हैं टंग ट्विस्टर। क्या कहते हैं इसको? टंग ट्विस्टर। अब हम अपने इस टंग ट्विस्टर को करते हैं। पहला टंग ट्विस्टर क्या है? आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। अब आप इसे फटाफट बोलो, आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। नेक्स्ट है, आई सा ए किटन ईटिंग चिकन इन द किचन, आई सा अ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। आगे है, फोर फाइन फ्रेश फिश फॉर यू, फोर फाइन फ्रेश फिश फॉर यू। नेक्स्ट है, आई विश टू वॉश माई आयरिश रिस्ट वॉच, आई विश टू वॉच माई आयरिश रिस्ट वॉच। मेरे से बच्चों गलत बोला गया, टंग ट्विस्टर है ना, आई विश टू वॉश माई आयरिश रिस्ट वॉच। आगे है, शीला नीड्स शीना लीड्स, शीला नीड्स शीना लीड्स। तो इस तरह से बच्चों आप इनको बार बार बोलो, तो धीरे धीरे आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी।
तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बच्चों जो आपका स्माइल 2.0 का होमवर्क आता है हम उसका डेली वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है पर नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो फटाफट नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आपको जो स्माइल 2.0 के वीडियो है उनका फटाफट लिंक मिल जाए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।